what are the central problems of an what is an economic problem of choice? It is elaborated into three central problems of an economy. What are the central problems of an economy? Every economy faces these problems, be it a developed economy like US or UK, be it a developing country or an underdeveloped nation. सब फेस करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, एक ही प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, फिर देखेंगे ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे होंगे। सिंपल, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं एज अ प्रोड्यूसर आप क्या बनाना चाहोगे ऋषभ? एज अ प्रोड्यूसर आप क्या बनाना चाहोगे? प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका ऑब्जेक्टिव था। तो आप वो चीज बनाओगे जिसमें आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो रहे हैं, यस और नो? तो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी। अगर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ज्यादा होंगे, तो वो बनाएंगे जिसमें उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी तो वहां तो सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, वो बनाएंगे जिसमें लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। तो कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो अभी समझ आया कि पहले टाइप ऑफ इकोनॉमी अंडरस्टैंड करना जरूरी था, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स, फिर किस इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होंगी। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए? हमारे पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है एंड दीज रिसोर्सेस आर ऑल्टरनेटिव यूजर्स। तो जो मेरे पास लेबर है, मैं उससे टेबल चेयर बनवाऊं या मैं उससे खाना बनवाऊं, मैं गन्स बनाऊं या मैं बटर बनाऊं, बेसिकली मैं खाने की चीज बनाऊं या डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करूं, किस चीज पे करूं? अगर मैं ज्यादा डिफेंस पे करूंगा तो फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, फूड पे ज्यादा करूंगा रिसोर्सेस तो लिमिटेड है तो मेरी बाकी रिक्वायरमेंट पूरी उतनी नहीं हो पाएगी। सो बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी, बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। आप सब कुछ नहीं बना सकते, आप सब कुछ नहीं बना सकते, व्हाट टू प्रोड्यूस द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, When they say every economy, they mean developed, developing, underdeveloped. The problem is what goods and services should be produced so as to satisfy maximum wants of the people. क्या बनाएं? This problem arises due to the fact that means, the resources are scarce in relation to their wants. Each economy has therefore to make a choice as to which wants it should satisfy and which ones it should forego. कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स टू फोल्ड डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ये बनाएंगे इतना, ये बनाएंगे इतना, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। तो टू फोल्ड डिसीजन, नंबर वन, फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। फॉर इंस्टेंस, Which of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee, etc. are to be produced? And which of the capital goods like machines, tractors, etc. are to be produced? As a student, आपको डिसीजन लेना पड़ा whether to take up commerce or humanities or science. क्या आपने अगर कॉमर्स लिया तो साइंस ले सकते हो? नहीं, यू हैव टू मेक अ चॉइस। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, कह रहा भाई लिमिटेड टाइम है, एक ही चीज पढ़ सकते हैं। आपके पास लैंड है, मैंने डिसीजन लिया मैं यहाँ कोचिंग सेंटर रन करूंगा। अब अगर कोचिंग सेंटर रन हो रहा है तो मैं क्या यहाँ रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ? तो एक चॉइस ली तो कुछ आप फोरगो कर रहे हो, कुछ आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। आपने डिसीजन ली कि अब यहाँ पे बैठ के पढ़ना है तो आप अभी अपना लेजर टाइम फोरगो कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो। सिमिलरली चॉइस हैज ऑल्सो टू बी मेड बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम डिफेंस गुड्स लाइक राइफल्स, गन्स, टैंक्स एंड पीस टाइम गुड्स लाइक ब्रेड और बटर। क्या बनाएं? व्हाट टू प्रोड्यूस? ओके, आंसर बाद में, अभी आपको प्रॉब्लम समझा रहे हैं। क्या पहली प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं? कंज्यूमर
कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। कंज्यूमर गुड्स होते हैं कंजम्पशन नीड्स के लिए, कैपिटल गुड्स होते हैं मशीन्स को बोलते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए, वॉर गुड्स बनाए या पीस टाइम गुड्स बनाए। कह रहे सब कुछ नहीं बना सकते, तो टू फोल्ड प्रॉब्लम। नंबर वन सेम चीज का ही, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंडली व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, देन इट हैज टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स and how much of capital goods are to be produced. For instance, if an economy decides to produce more of cloth and wheat within a given period of time with limited means, then it will have to produce less of machines. For example, if you have to make a choice between consumer goods and capital goods and you decide to produce more of consumer goods, you will end up producing less of capital goods. So what to produce and in what quantity is the complete problem. So, pehli problem hai what to produce, but entirety mein two fold decision hai. Number one, what to produce, and number two, in what quantity. So, this problem has two dimensions. Number one, what to produce, and second one is how much to produce. So, problem of what to produce, kya banaye? Consumer goods ya capital goods, consumption goods ya defense goods. क्या सब कुछ एक्सेस में बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? यू हैव टू यूज द कीवर्ड्स। क्यों नहीं बना सकते सब कुछ एक्सेस में? अक्षता, बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। सिंपल, स्कैर्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यू हैव टू यूज दीज कीवर्ड्स while giving an answer. Clear? What to produce? How to produce? ध्यान से देखेंगे, बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। How to produce? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सी फॉलो करे? कह रहे दो टेक्निक्स होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर ज्यादा यूज हो रही है, इंसान ज्यादा यूज हो रहे हैं, मशीन कम यूज हो रही है, लेबर इंटेंसिव। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है मशीन्स ज्यादा यूज हो रही है, लेबर कम यूज हो रही है। तो कैसे डिसाइड करें हाउ टू प्रोड्यूस, विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड वी फॉलो? कह रहे डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपकी लेबर चीप होगी, तो देन यू शुड गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आपकी पॉपुलेशन कम है, अगर आपकी लेबर कॉस्टली है, देन यू शुड गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, then also you should go for capital intensive technique. Machines ki efficiency zyada hoti hai. Labor intensive technique kaun follow karega Moksh? Jis country mein population zyada ho, kyunki excess supply of labor hogi to labor cost kam hogi. So simple si problem hai, how to produce, it is the problem of choice of technique of production. कौन सी टेक्निक फॉलो करे? दो टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। हाँ तो अंडर डेवलप कौन यूज करेगा? लेबर इंटेंसिव, जहां पे लेबर सस्ती हो, जहां शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो। तो अंडर डेवलप क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लेबर रिलेटिवली सस्ती पड़ रही है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल क्या दिया, पॉपुलेशन ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी लेबर कॉस्ट कम आ रही होगी। पॉपुलेशन अगर ज्यादा होती है तो मतलब लेबर इंसान बहुत है, तो इजीली अवेलेबल होगी ना लेबर, तो कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा एज कंपेयर टू जहां पॉपुलेशन कम है। तो अगर आपकी लेबर सस्ती है तो देन गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर आपके लिए मशीन सस्ती पड़ रही है लेबर से, लेबर कॉस्टली है, देन गो फॉर मशीन इंटेंसिव टेक्निक। अगर आपके पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल नहीं है, देन गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, एफिशिएंसी काफी हाई होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस ऑफ चूजिंग अ टाइप ऑफ टेक्निक। तो बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस? करेक्ट, कैसे करें? आपने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, अब इसको बनाना कैसे है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक? The second main problem of an economy is how to produce goods or how to organize production.
हाउ टू प्रोड्यूस. दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. तो की फ्रेज क्या हो गया, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज पॉसिबल इधर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन्स. दोनों ऑप्शन है आपके पास. दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है. इट इंप्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट. जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो आप वो टेक्निक फॉलो कर. आपकी लेबर सस्ती है तो लेबर इंटेंसिव, आपकी लेबर कॉस्टली है तो कैपिटल इंटेंसिव. There are two techniques of production. Number one, labor-intensive technique. Under this technique, labor is used more than capital. Capital-intensive technique. Under this technique, capital is used more than labor. An economy must decide as to which technique is to be used in a given industry so that productivity is raised and cost minimization will be the main objective. How to produce? कह रहा जिसमें मेरी cost कम है. वो टेक्निक मैं चूज करूंगा. हाउ टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक. कैसे डिसाइड करोगे क्या बनाओगे, जिसमें मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, जो चीज मुझे सस्ती मिल रही है. हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक. इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इन्वॉल्व द चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. व्हाइल लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट. लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा. अब इंडिया क्या है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाई है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. तो गवर्नमेंट क्या प्रमोट करना चाहेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. यस और नो, गवर्नमेंट भी यही प्रमोट करना चाहेगी. लेकिन एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो आप डिसाइड करोगे ना कि आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे. अगर आपका वो काम मशीन बेटर कर रही है तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखोगे. तो कोई भी प्रॉब्लम कैसे करे, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है. ये तो समझ आ गया. प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एंड दे विल गो फॉर सोशल वेलफेयर. दे वुड लाइक टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर जॉब्स. दे विल गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. बट एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो चूज करेगा जिसमें उसकी कॉस्ट कम आ रही है. अगर उसकी लोग कम हो तो चाहेगा ना कम लोगों से मैं ज्यादा काम करा पाऊँ. तो वो अगर उसके पास पैसों की शॉर्टेज नहीं है तो हमेशा एंटरप्रेन्योर्स दे गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. पहला स्टेप टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. फर्स्ट वाज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. सेकंड वाज हाउ टू प्रोड्यूस. सॉल्यूशन कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी. कह रहे भाई लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लीड्स टू हायर एफिशिएंसी इंप्लाइंग हायर रेट ऑफ ग्रोथ. हेंस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयमेंट ऑन वन हैंड एंड एफिशिएंसी ऑन द अदर. अगर आप कैपिटल इंटेंसिव के लिए जाओगे तो आपकी एफिशिएंसी तो हाई होगी बट आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जॉब्स. उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. जो काम इंसान कर रहे थे वो मशीन्स करने लगेंगी तो लोग थोड़े से जॉबलेस हो जाएंगे. तो सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज क्लियर. सेकेंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक. सबसे मजेदार थर्ड प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस. क्या किसके लिए बनाओगे, इसमें क्या डाउट है. फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए बनाए. कंज्यूमर्स के लिए बनाओगे और किसके लिए बनाओगे, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी. द गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस मोर फॉर द पुअर एंड लेस फॉर द रिच. क्योंकि वो चाहेगी कि ऑल द बेस्ट, जो वो चाहेगी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम प्रोवाइड करेंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपना सामान खरीद ही लेंगे मार्केट में से. तो गवर्नमेंट डिसीजन अलग तरीके से लेगी फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर दे विल, गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस मोर फॉर पुअर एंड लेस फॉर रिच. ऑन द अदर हैंड अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस मोर फॉर रिच एंड लेस फॉर पुअर. फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए सामान बनाए, रिच सेक्शन के लिए ज्यादा बनाए या वीकर सेक्शन के लिए ज्यादा बनाए. कैसे डिसाइड होगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी. फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करी जाए. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट. एक ही बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट मतलब जो सामान बन गया अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए. जो इनकम जनरेट हुई है
वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाए. ओइंग टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. क्या हम सबके लिए नहीं बना सकते, हम सबके लिए क्या मैं सबको पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता. लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है. Owing to limited resources, an economy cannot produce goods for all the sections of the society to the extent desired. Broadly, every economy has two sections of the society, the rich and the poor. Social justice is promoted if more goods are produced for the poor. Agar social justice promote karna hai, social welfare promote karna hai, produce more for the weaker section and less for the rich. बट सोशल वेलफेयर के लिए कौन सी इकोनॉमी काम करती है, सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी का वो सेक्शन जो गवर्नमेंट कंट्रोल में है? बट एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रही है, तो क्या वो मोर फॉर द वीकर सेक्शन बनाएगा या मोर फॉर द रिच? तो उसको बोलते हैं पीपल हु हैव द परचेजिंग पावर. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, एक प्राइवेट सेक्टर में आप किसके लिए गुड्स बनाओगे? पीपल हु हैव द परचेजिंग पावर. तो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर. इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. अगर आप वीकर सेक्शन के लिए बना रहे हैं गवर्नमेंट ज्यादा, तो इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने उनको फ्री में दे दिया, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा. तो जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. बट देयर इज अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट. बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर the profits of the producers would remain low. कह रहे आपने तो बोल दिया कि produce for the weaker section, उससे inequalities कम हो जाएंगी. क्या ये private sector का objective भी होगा, inequalities of income कम करना? ये उनकी सरदर्दी नहीं है, वो उनका area of focus ही नहीं है. वो area of focus किसका होगा? Government का. तो अगर private sector ऐसा करेगा तो उनकी तो profitability low हो जाएगी. Low profits would mean low investment. अगर low profits हैं तो क्या वो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर पाएंगे? किसी बिजनेस में लो प्रॉफिट है तो क्या ज्यादा लोग वो बिजनेस करना चाहेंगे? इट विल अट्रैक्ट लो इन्वेस्टमेंट, इंप्लाइंग लो जीडीपी ग्रोथ. कह रहे तो फिर बड़ी डिफिकल्ट डिसीजन हो गई कि फॉर होम टू प्रोड्यूस. कह रहे इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इकोनॉमी. द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम इफ वी कंटिन्यू टू प्रोड्यूस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Then there will be no motivation for the private sector to invest. Government ने बोल दिया, restriction डाल दी कि ये सामान ना आप 100 रुपए से ज्यादा का नहीं बेच सकते, so that everyone can afford it. अब आपकी cost of production ही 98 आ रही है, तो as a producer क्या आप इतनी मेहनत करना भी चाहोगे 2 रुपए कमाने के लिए, 2% रिटर्न के लिए? कह रहे नहीं, मैं बेचूंगा 200 रुपए का बेचूंगा. कह रहे नहीं, 100 रुपए से ज्यादा का नहीं. तो फिर क्या होगा? कोई काम ही नहीं करना चाहेगा. Lack of investment, lack of growth, economy grow नहीं होगी. Thus, there is a problem of choice. Social equality करनी है या economy को grow करना है? तो for whom to produce, किसके लिए सामान बनाया जाए? Weaker section के लिए या rich section के लिए? People who have the purchasing power or people who do not have the purchasing power. Three central problems of an economy. What to produce? Two dimensional problem है. What to produce and in what quantities? कि पहले आप decide कर लो बनाना क्या है, फिर उसमें ये भी decide कर लेना कितना क्या बनाना है. What to produce in what quantities? How to produce is the problem of choice of technique of production. For whom to produce is the problem of distribution. It is the problem of distribution. तो three central problems of an economy.